लाहौर हाई कोर्ट के सिहन में बूढ़े बरगद के नीचे ये नशिस्त दरवेश मनीष वकील एमडी ताहिर की है। मरहूम एमडी ताहिर ने हाई कोर्ट में इंसानी हकूक से मुतालिक तकरीबन 15,000 पिटिशन दायर की। बड़े सगीर की अदालती तारीख में ये अपनी नौयत का एक मुनफरद रिकॉर्ड है। पे दर पे पिटिशन दायर करने में वकील हबीब वहाब उल खैरी का नाम भी मोहताज तारुफ नहीं। आला अदलिया में जजों की तैनाती के तनाजे का तस्विया आखिरकार वहाब उल खैरी की एक पिटिशन के बायस ही मुमकिन हुआ। वो मुतनाज़े दरख्वास्त भी वहाब उल खैरी की थी, जिसकी समाअत के बायस 1997 में नवाज शरीफ के हामियों ने सुप्रीम कोर्ट पर हल्ला बोल दिया था। मुझे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि खैरी साहब, जब तारीकी हो जाती है, हम मुश्किल में फंस जाते हैं, तो हम आपकी कोई पिटीशन निकालते हैं, उसे पढ़ते हैं और उसमें से हमें रोशनी नजर आ जाती है। पाकिस्तान के साबिक वजीर कानून एसएम जफर की बजाय शोहरत भी एक जमाने में रिट पिटीशंस ही थी। ये तजुर्बा उनके लिए काफी दिलचस्प साबित हुआ। मैंने बहुत सारे रिट पिटीशनें दाखिल करनी शुरू की, और कभी डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ, कभी कमिश्नर के खिलाफ, कभी किसी महकमे पंजाब के खिलाफ। अभी बहुत ऊंची रिटें नहीं होती थी, इनकी तक होती थी, और जब उसकी मंजूरी हो तो मीडिया वाले अखबारात के लिए तो वो बहुत खबर बन जाती थी। मुशरफ दौर में न्यू मरी प्रोजेक्ट की सूरत में कीमती जंगलात के मादूम होने का खतरा पैदा हुआ, तो इस खतरे का खात्मा भी एक पिटिशन के जरिए ही मुमकिन हो पाया। एन ब्लॉक दरख्तों काटा जा रहा था। अब उस वक्त कोई और दादरसी का वेन्यू नहीं था। आप फॉरेस्ट ऑफिसर के पास जाते तो आपको पता था वहां कोई काम की बात नहीं होगी। आप सिविल कोर्ट में जाते, मरी के सिविल कोर्ट में उसकी लिमिटेड ज्यूरिस्डिक्शन थी। सो कोई चॉइस नहीं थी सिवाय इसके कि जो लोग इस चीज को रुकवाना चाहते थे उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा और रिक्वेस्ट करनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट को कि ये अहम जंगलात हैं जो अगर खत्म हो गए तो फिर नाकाबले तलाफी नुकसान होगा। मुल्की तारीख की सबसे मुनफरिद पिटिशन मगर वो थी जो चौधरी एतजाज एहसन ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तरफ से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में दायर की। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में चीफ जस्टिस के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत को चैलेंज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह पिटिशन मंजूर करते हुए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस की समाअत रोक दी और अज खुद समाअत शुरू की। ये समाअत 20 जुलाई 2007 को चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की असर नौ बहाली पर मुंतज हुई। परवेज मुशर्रफ की होते हुए कामयाब चैलेंज किया उसके इकदाम को। सो कामयाब चैलेंज करने के, जब के डिक्टेटर मौजूद है, डिक्टेटर की मौजूदगी में शायद वाहिद केस है जिसमें कामयाब चैलेंज किया गया उसके एक बहुत गंभीर और बड़े एक्शन में के खिलाफ। वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बनाम जनरल मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ, चीफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो केस है जिसका फैसला 20 जुलाई 2007 को हुआ। माहिरीन कानून का कहना है कि रिट पिटिशन एक्टिविज्म ने पाकिस्तान की आईनी तारीख को एक नया रंग और आहंग दिया है। सो आप अगर रिट पिटिशंस की तारीख उठा के देखते हैं तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के डेवलपमेंट की तारीख के तौर पे भी सामने आता है, जिसमें कुछ बाब उतने दरक्षा नहीं हैं जितने दरक्षा उनको होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल आज जब आप उनको मुड़कर देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कशंस हुई हैं उससे कॉन्स्टिट्यूशन का ज्यूरिसप्रूडेंस का पैरामीटर जो है वो यकीनन इंक्रीज हुए हैं। इसमें शक नहीं कि रिट पिटिशन एक्टिविटी ने जिस तरह मौजूदा दौर में एक एक्टिविज्म की सूरत इख्तियार कर ली है, इससे पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये एक भरमार हो गई है रिट पिटिशन। अब देहातों में तो कहते हैं रट्टा डालने वाली बात हो गई है। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेंट करने की, जिसे हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जुडिशियल रिस्ट्रेंट का, वक्त आ गया है। और इसमें मुझे इजाज़त दें कि आपका मीडिया का भी कुछ कसूर है। आप बहुत बढ़ चढ़ कर रिट पिटिशनों के फैसले और उसके समाअत के दौरान जो जज साहबान के अचानक बयानात होते हैं, जिसको हम लॉट थिंकिंग कहते हैं, जो ना कानून का हिस्सा है, जो ना उनके फैसलों का हिस्सा बनते हैं, जो कई दफ़ा ऐसे होता है कि उनकी कानूनी बुनियाद भी कोई नहीं होती। कई बार ऐसा भी मुझे दिखाई देता है कि उनकी तारीख की दुरुस्तगी भी नहीं होती, लेकिन चूंकि जज साहबान हैं और वो वहाँ बैठे होकर गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो आप समझते हैं कि जज साहब की ज़ुबान से जो बात निकली उसको आपने पट्टी चला दी। उस रुझान के बढ़ने की वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, अब
हर इशू जो है जो उठाया जाता है वो सुनना चाहती है, और आम तौर पर उसको मैं जो वकील सामने आते हैं या जो मुद्दई होते हैं वो गालबन वो बात ऐसी सामने लाते हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ करना चाहती हो। दुनिया में एक्टिविस्ट जुडिशरीज भी हैं, एक्टिविस्ट जजेस भी हैं, और गो वो कहते हैं, कहते ही कहने की बात ये करते हैं कि पॉलिटिकल थिकेट में हमें नहीं जाना चाहिए, जहां सियासी बहस शुरू हो जाए वहां हमें नहीं जाना चाहिए, कहते कहते कि नहीं जाना चाहिए, अदालतें जाती हैं सियासी मामलात में भी। सियासी मामलात में या सियासी शख्सियात के मामलात में जितना ये उलझ जाएंगी उतना मामलात जो हैं ख़राब होंगे, और दूसरी तरफ तवज्जो नहीं हो सकेगी जो गुड गवर्नेंस के करप्शन के खिलाफ जो मामलात हैं उस तरफ। रिट पिटिशन अपनी नौयत का एक मुनफरिद कानून है। ये ऐसे ही है जैसे माजी में जब किसी शहरी को मुरवजा कानून से इंसाफ मयसर ना आता तो वो शाही महल के बाहर आवेजा जंजीर हिलाकर अदल का तलबगार होता था। ये एक लिहाज से एक अंदाज से बरतानिया में भी, अमरीका में भी, भारत में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, पाकिस्तान में भी मावराए कानून इख्तियार है। जहाँ कानून नहीं जाता वहाँ एक्विटी शुरू हो जाती है। अब उसके भी वैसे पैमाने उसकी उसको इख्तियार करने के एक लिहाज से कवानीन ही बन गए हैं, लेकिन तारीख़ी एतबार से ये कानून से नहीं, लॉ से नहीं, एक्विटी से ये डिराइव किए गए हैं। यानी एक ऐसे इख्तियार जो कि इंसाफ मुहैया करता है, गो कानून शायद उस इंसाफ की इजाज़त नहीं देता। इंतज़ामी अमूर में कोई बंदा वो काम करे जिसका उसे इख्तियार नहीं, तो हाई कोर्ट को रिट में इख्तियार है कहने का ये गलत है। अगर कोई बंदा वो काम नहीं करा जो उसे करना चाहिए, तो हाई कोर्ट को रिट में इख्तियार है कहने का कि भले आदमी ये काम कानून कहता है तुम क्यों नहीं कर रहे। और तीसरी बात यह है कि अगर किसी आदमी को कोई हबसे बजा में हो तो उसके मुतल्लक, इसे हम हेबियस कॉर्पस कहते हैं, कि किसी आदमी को जब शिकायत पहुंचती है तो कहते हैं जी उस बंदे को पेश करो और वजह बयान करो कि आपने इसको क्यों रखा हुआ है। तो ये है हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन। ये बात अहम है कि रिट जारी करने का इख्तियार अदलिया को पाकिस्तान बनने के कुछ अरसे बाद मयसर आया। गोया अदलिया के इस खुसूसी इख्तियार का क्रेडिट बजा तौर पर पाकिस्तान के इब्तदाई दौर की मुकन्नना को दिया जा सकता है। ये एक बरोहिसाब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने रिट ज्यूरिसडिक्शन के इख्तियार के लिए कानून पास किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 223A के नाम से एक आर्टिकल नया इजाफा हुआ जिसमें वो तमाम अंग्रेजी बरतानिया के कानून के मुताबिक रिट ऑफ सरशुरारी, रिट ऑफ मैंडेमस वगैरह वगैरह, यही चीज़ 1962 में दोबारा आइन का हिस्सा बनाई गई। लेकिन 1962 के आइन में जिसके मुसन्निफ जनाब मंजूर कादर थे वो ज़्यादा इसको तरतीब दे रहे थे, उन्होंने तमाम वो इस्तलाहात जो बरतानवी कानून के इंग्लिश लॉ के मुताबिक थी, मैंडेमस और सेशुरारी, वो हटा दिए और उसके बजाय अपनी ज़ुबान में बयान कर दिया कि किस किस किस्म के अहकाम जारी कर सकती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट।